है hey गाइस मेरे पास है ये सारे सामान और मैं बनाने जा रहा हूँ बॉटल ट्रैप फिश के लिए जी हाँ दोस्तों तो मैंने वीडियो देख लिया है एंड मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रहा हूँ एंड देखना चाहता हूँ कि कितना सक्सेसफुल होता है एंड ये ग्लास का एक बॉटल है जो बाय वन गेट वन फ्री विशाल मेगा मार्ट से लिया था आप लोग भी ले सकते हो एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये सारा खाना आप देख पा रहे हो ये आटा है और यहाँ पे सूखी मछली है और ये डट्राबाइट्स है तो इन सब तीनों चीज़ों को मिलाकर मैं बनाने वाला हूँ फिश के लिए खाना ताकि उनको बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी खाना मिले और वो तुरंत जो है उस बॉटल में फंस जाए तो चलिए बनाते हैं और देख लेते हैं एंड साथ ही मेरे पास है ये वाला एक और चीज़ जिसे हमने ऑलरेडी मछली पकड़े हुए पहले भी तो ये भी लेके जाने वाला है इनके से अगर मेरा पहला वाला बॉटल ट्रैप फेल हो गया तो पहले तो ये माज़ा का जो रैपर इसको हटा लेते हैं एंड हटाने के बाद मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा क्लियर दिखेगा और अंदर जो भी हम खाना देंगे वो फिश को क्लियरली दिखेगा ताकि वो अंदर फर्स्ट पाए आराम से और इसको मैंने निकाल लिया है एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ आप ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला इसको मैं कट करूंगा तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी इसको ना कट करे नहीं तो फिट ही नहीं हो पाएगा तो मैं कट कर लूंगा कुछ यहाँ से देख लीजिए तो हो चुका है एंड आप देख पा रहे हो इसको इस तरीके से फिट करेंगे ताकि फिश घुसने के बाद निकल ना पाए बिल्कुल भी अब बारी आती है बॉटल के बेस की तो यहाँ पे भी आपको होल्स करें तो फिर ये बॉटल आपका अंदर रहेगा ही नहीं पानी में नहीं तो ये तैरते रहेगा और ऊपर से जो है मछली भी तो आपको उठाकर आप उनको निकाल पाओ और पानी भी निकल जाए तुरंत तो इसलिए मैं यहाँ पे होल्स करने वाला हूँ कर लिया है होल्स जैसे कि आप देख काफी सारे होल्स किएगा मैंने, हाँ तो 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 मैंने आटा लिया हुआ तो ये जो आटा देख रहे चाहिए ही नहीं तो हाफ आटा एंड देख रहे सूखी मछली बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है सही में तो इनको जो मैं कट कर लूंगा इस तरीके से आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो आप इनको पाउडर भी कर सकते हो ठीक है आपकी इच्छा तो मेरे कट करे तो जल्दी से किस की जो बदबू है वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल एंड देन यहाँ पे टेट्राबाइट्स मिलाएंगे एंड इसी को जो है हम लोग मिलाने वाले इस हमारे आटा के साथ तो टेट्राबाइट्स में थोड़ा मिला देता हूँ क्योंकि टेट्राबाइट्स का जो फ्रेग्रेंस होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है तो शायद मछली को और ज़्यादा पसंद आए और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस खाने पर तो देख लेते हैं तो इसको अभी मैं क्या करने वाला हूँ इस तरीके से इससे पूरा इस तरीके से मिक्स कर लूँगा बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे मिक्स करते हुए बट ठीक है आप लोग भी कर लेना अगर आप लोग के पास कोई और आइडिया है तो वो भी कर सकते हो आप लोग लेकिन मुझे लगा कि ये करके देखता हूँ कितना सक्सेसफुल होता है तो हो चुका है अब बनाएंगे गोल गोल पूरियाँ तो मैं पूरियाँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन छोटे छोटे गोल गोल पूरियाँ को हम डालेंगे हमारे उस बॉटल ट्रैप के अंदर तो कुछ इस तरीके से मैं डालने वाला हूँ मुझे नहीं पता कि सब लोगों ने ऐसे किया है कि नहीं लेकिन मैं ये ऐसा कुछ कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी करेंगे वहाँ पर जाने के बाद तो ऐसे डालने के बाद इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे और फिर इसको जो है हम कुछ पिन से साइड में इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये निकले ना पानी के अंदर जाने के बाद तो इस तरीके से फिट कर देंगे तो गाइज देखो काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है बस सक्सेसफुल हो जाए नहीं तो सही में बहुत ज़्यादा पपलू हो जाएगा मेरा चलो अब भागते हैं घर से क्योंकि एक तो मैंने घर बहुत गंदा कर दिया और बहुत बदबू मार रहा है मम्मी आ जाएगी तो मेरी वाट लग जाएगी निकल चुका हूँ आप लोगों ने देख स्टार्टिंग में इतना जुगाड़ करके निकला हूँ बहुत कुछ एक तो गाय सारा काम मैंने बहुत चुपके से किया क्यूँकी किसी भी तरीके का बॉटल क्यू ना आप खराब करो आपके घर का अगर मम्मी की नजर में पड़ जाए ना तो वाट लग जाती है तो मैंने बहुत चुपके सब कुछ काम किया एंड सब भर लिया है एंड जा रहा हूँ अभी और अब जाकर सीधे रिवर से बात करेंगे और वहां से आपको दिखाऊंगा की मैं आज क्या करने वाला हूँ बॉटल ट्रैप को कैसे यूज करने वाला हूँ तो चलो चलते हैं है hey गाइस तो मैं पहुंच चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं जी हाँ दोस्तों उसी रिवर पर और बहुत कुछ लेकर आया आयो आप लोगों ने देख ही लिया है एंड आप लोग सोचो की चंपू बन के क्यों गाइस मैंने थोड़ा सा जो अपने हेयर पे ऑयलिंग किया हुआ है और मैंने ये भी सुना है कि जब आप चंपू लगते हो तो आपको कुछ मिलता भी नहीं है मतलब मछली वगैरह लेकिन मैं डेफिनेटली मछली पकड़ के ही छोड़ूंगा ये चंपू लगे या कुछ भी लगे एनी तो चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखिए ये आटा वगैरह लेकर आया हूँ तो वहाँ चलेंगे और देख लेते हैं कि मछली आज मिलता है क्योंकि क्योंकि मुझे आज बॉटल ट्रैप यूज करना है चलते हैं एक तो आजकल गर्मी बढ़ने लगी है बहुत ज़्यादा धूप बढ़ने लगा है तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है यहाँ से आटा ले लूँगा एंड इनको ना मैं लुभाऊँगा सबसे पहले इनको लुभा कर इनको सामने लाना है ताकि सॉरी लुभाना होता है ललचाना ललचाना ना तो इनका ना छोटा सा चो टुकड़ा करता है बिल्कुल छोटा छोटा और यहाँ पे डाल के दिखता हूँ क्योंकि बहुत सारे फिश दिख रहे हैं मुझे तो ये देखता हूँ डाल के क्योंकि ये सारे बाप्स है तो इनको ये आटा तो सही में पसंद आएगा इसमें और भी कुछ है लेट्स सी अरे बाप रे सही में गए है फिश देखो आपको दिख रहा है वो देखो आटा वहां पे है एंड ये सही में गए थे लेकिन वापस चले गए जस्ट सोच रहे कि खाए कि नहीं आई थिंक या 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 गए 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 लेकिन आसपास घूम रहे आसपास सही में घूम रहे एंड अब मैं थोड़े से यहाँ डाल दूंगा यहाँ पे भी, भी काफी सारे हैं यार सी एक बार इनको टेस्ट मिल जाए उसके बाद फिर हम डालेंगे तो काफी सारे आएंगे गाइस आसपास तो घूम रहे लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि कहाँ क्यों नहीं रहे मैं जाता हूँ और बॉटल को अंदर डाल के आता हूँ देखते हैं मे बी वो नीचे गिर गया है इसके वजह से तो गाइस इसको मैंने कर दिया थोड़ा मॉडिफाई देखो यहाँ पे लगा दिया है मैंने ताकि जो है एटलीस्ट इनको पता चले और यहाँ तक तो पहुंचे ही है। और उसके बाद एक बार घुस जाएंगे अंदर ना पे निकल ही नहीं पाएंगे तो इसको मैं अभी अंदर डाल कर मैं इसको पानी में रख के आता हूँ तो सबसे ज़्यादा फिश मुझे दिख यहाँ पे रहा है तो मैं यहाँ रखूँगा और फिर देख लेते हैं देखते कि अंदर रुकता है या नहीं चलो बहुत बढ़िया अंदर तो ये रहेगा बढ़िया से तो मैंने इसको डाल दिया है एंड लेट्स वेट वेट करते हैं तब तक हम दूसरी जगह मछली पकड़ के आते हैं जब तक कि वो सेट हो रहा है मैं इससे पकड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ नीचे जाकर गाय सच बोली इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन फिश मुझे दिख नहीं रहा है एक साथ फंसा होगा पता नहीं अभी बिल्कुल नहीं सामने जाऊँगा इनको पहले पूरा फेमिलियर हो जाने देते हैं कि अभी खाना वाना है और एक एक करके आने दो तो। लेकिन देखो ना एक बार घुसेंगे तो निकल नहीं पाएंगे इतना सारा खाना है थोड़ा वेट करते हैं हाफ एन आवर इतना ज़्यादा डाइनियज दिख रहा है ना जाता हूँ मैं देखते पकड़ पाता हूँ कि नहीं गाइस से पे बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन इतने फास्ट मूविंग फिश है ना बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आया तो चलते हैं अपने वहाँ पर और देख लेते हैं कोई मछली फंसा फंसाया नहीं पानी पूरा धुंधला हो गया तो गाय ऑलमोस्ट आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है चलते और देख लेते हैं होपफुली एक दो तो मिल जाए तो गाय देख लेते हैं वहाँ पर अरे बाप एक मिनट गाय से पहले उठा लेता हूँ उसके बाद वीडियो करता हूँ बाप रे गाय सही में काफ़ी सारे फिश है मैंने देखा है निकलना चाहिए देखो 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 कितना सारा है ये खुला है क्या अरे खुल रहा है एक्चुअली रुको पानी है कि नहीं मेरे पास ये तो पानी निकल जाएगा सारे का सारा क्या करूँ बकेट अच्छा बकेट में पानी है जल्दी लेकर चलते हैं दिखाया तो पहले आपको मैं ये देखो गाइस कितने सारे फिश मिले हैं वाह वाह यार सक्सेसफुल हुआ ये फिर भी अरे मर गए क्या काफी सारे मर भी गए अरे बाप रे पूरा आटा वगैरह के साथ में मुझे तो लग रहा है कि सब मर ही जाएंगे दालू, दालू, दालू यार। ओ माय गॉड एक मिनट मैं पहले पानी चेंज करता हूँ फिश मर जाएंगे पानी पहले चेंज तो हूँ पूरी अच्छी तरीके से इसको रखते हैं चलो पानी चेंज करते पहले मैंने कहा ना एक हाथ से पानी चेंज किया पता नहीं। और भी दिख रहे थे क्या पता यार Actually, मैंने पूरा यहाँ पे खाली किया था एंड फिर मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया सारे यू नो जो हमने बनाए थे सारे आटा वगैरह को फेंक कर पर जो भी है इसमें से इस बार के साइज़ तो थोड़ी ठीक ही है तीन चार तो बड़े ही हैं कितने मिले हैं नौ वाओ चल कुछ तो हुआ एटलीस्ट अगर ये हम पूरा रात भर रखते ना तो फॉर श्योर आई थिंक पूरा भर जाता ये तो काफ़ी सारे मिले हैं मैं इनको अभी क्या करने वाला हूँ मॉन्स्टर टैंक में तो छोड़ूंगा ही लेकिन पहले इनको मैं क्वारंटीन कर लूँगा पानी मॉन्स्टर टैंक का यूज़ करके तो चले चलता हूँ अभी एंड घर पर जाके दिखाता हूँ आपको काश जिससे इसको लगता है कि रिवर फिशिंग बहुत आसान है ऑफ टू आसान नहीं है और जब आप अकेले करो तब तो बिल्कुल भी आसान नहीं है मैं कांच का बॉटल भी लेकर आया था उसका तो काम ही नहीं हुआ क्या करें देखो कुछ ऐसे चढ़ना पड़ता है ऊपर चढ़ेंगे एंड देन इसको पाएंगे और इसको लेकर चलते हैं धूप बहुत है लेकिन बहुत हवा भी चल रही है इसलिए ठीक है मतलब एंड मैं तो टैन होकर ऐसा लग रहा है बहुत गंदा हालत है जाके नहाना पड़ेगा भी और ऊपर से पूरा चम्पू बाल में तेल करके तो गाइस फिश बॉल में ऑलरेडी दस थे और ये दस को मुझे ऑलरेडी ऐड करना मॉन्स्टर टैंक में एंड हमारे पास आज और एडिशनल आई थिंक नौ हो चुके हैं तो मॉन्स्टर टैंक से थोड़ा पानी ले लेता हूँ एंड इनको इसी पानी में रहने देता हूँ आज और कल तो सिकलेज आ रहे गाइस एंड इवन आई थिंक ऑस्कर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं आज देख आया हूँ और मैं कल ख़रीदने वाला हूँ तो गाइज़ मैंने मॉन्स्टर टैंक से पानी ऐड कर दिया इसमें कितने हैं टोटल नाइन uh, है राइट आई थिंक नाइन है एट है ओके okay, एटीन कुछ हो गया है और भी मैं पकड़ने ही वाला हूँ तो इनका भी ग्रुप रखेंगे ऑस्कर्स आ रहा है कल गाइस तो कल का वीडियो डेफिनेटली देखना साथ ही में फ्लावर हॉर्न भी आ सकता है गाइस अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बाय टेक केयर